हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ रूम डिफ्यूजर जो रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ है फ्रॉम डॉजी फ्रेग्रेंसेस। दे हैव लॉन्च्ड 6 यूनिक रूम डिफ्यूजर। इट इज एम्बरी चेरी, यू कैन सी दिस। तो यहाँ पर ना एक इसका कार्ड आता है, तो सारे जो फ्रेग्रेंस नोट्स हैं, इंस्पायर्ड, कंसंट्रेशन। यहाँ पर है इसका ये ब्यूटीफुल सा बॉक्स। सो रूम डिफ्यूजर को हम ओपन करते हैं ग्लास बॉटल। इट इज 100 ml। ऑल द नोट्स आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर ऑन दिस बॉटल। द टॉप नोट्स आर चेरी, ऑलमंड एंड सिनेमन। द मिडिल नोट्स आर क्लोव, रोज, जैस्मिन एंड प्लम। एंड द बेस नोट्स आर पेरू, बल्सम, टोंका बीन एंड वनीला। इसके साथ ही ना ये स्टिक्स हैं, ये वुडन स्टिक्स हैं। तो अभी मैं इसको ट्राई करने वाली हूँ एंड आई एम रियली यू नो एक्साइटेड टू यूज इट। यूजिंग अ रूम डिफ्यूजर गिव्स द रूम अ वेरी काम एंड मोर प्लेजेंट स्मेलिंग एम्बियंस। दीज डिफ्यूजर्स आर इको फ्रेंडली, 100% नॉन टॉक्सिक, क्रुएल्टी फ्री, वीगन, मेड विद एथिकल, सस्टेनेबल एंड हाई क्वालिटी इंग्रीडियंट। सो आई एम शेयरिंग द डॉजिए वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो। ऑल्सो देर इज अ डिस्काउंट कोड दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, 5% डिस्काउंट कोड GauraSingh5। सो बाई दिस कोड यू कैन गेट 5% डिस्काउंट। द पैकेजिंग इट इज ऑल्सो रिसाइक्लेबल। एवरीथिंग इज गुड फॉर द प्लेनेट एज वेल, सेफ टू यूज near the kids also. One more thing which I really liked about this room diffuser is because it is not a electrical supply kind of a based room diffuser. You don't need any electrical plugins for that. It's very much you know portable from one place to another and you can place it in anywhere in the house. Okay guys, so I have placed this room diffuser here on the kitchen counter and you know it is giving such a nice fragrance to the whole area, to the kitchen. तो आज मंडे है तो मैं और भूमि यहाँ पर बैठे हुए हैं और ना भूमि बोल रही थी कि मम्मा हम लोग नेल पेंट लगाएंगे। तो मैंने बोला था ठीक है फ्री होके मैं लगाऊंगी। तो भूमि सुबह से मेरे को ना इतने बार पूछ चुकी है, मम्मा अब आप फ्री हो। तो मैंने कहा चलो काम तो चलते रहेंगे, पहले नेल पेंट लगाते हैं। तो भूमि को ना अभी चूज कर रही है इसको कौन सी लगवानी है नेल पेंट, और मैं भी थोड़ी बहुत लगाऊंगी। ऑल्सो सिया इज एट स्कूल और आज ना आप देख सकते हो बाहर बारिश की काफी आवाज आपको व्लॉग में सुनाई दे रही होगी। और सिया को भी मैं बारिश में अम्ब्रेला वगैरह यूज करके ना छोड़कर आई और वो अपने जो रेन वाले शूज है वो पहनकर गई है। तो आज तो सुबह से ही बारिश जो है वो है और फोरकास्ट दिखा रहा है कि शाम तक बारिश ही होती रहेगी। तो भूमि से पूछते हैं कौन सी चूज करी, कौन सी लगानी है बेटू? ये वाली लगानी है। ठीक है लगाते हैं चलो। और मम्मा ये मेरी छुटाएंगी। हाँ ये वाली लगाई थी ना, ये तो थोड़ी सी हो गई है खराब सी, तो इसको हटा देते हैं। और आज थोड़ा सा टाइम निकाल के ना मील प्रेप वगैरह करूंगी क्योंकि वीकेंड पे तो कुछ ऐसा किया नहीं था। थोड़ी मैं सोच रही हूँ हरा धनिया रखा है काफी सारा, तो ग्रीन चटनी बना दूं। अच्छा सिया और भूमि को वैसे मैं ज्यादा नेल पेंट्स वगैरह ये सब नहीं लगाती हूँ, बट समटाइम्स यू नो बच्चों का मन रखने के लिए। ऑल्सो बच्चों की अलग से नेल पेंट्स भी आती हैं। सिया जब बहुत छोटी थी तो उस टाइम पे उसके लिए एक मैं किट लेकर आई थी नेल पेंट्स का, मेकअप का, उसको बड़ा ही शौक था। बट भूमि के लिए ऐसा नहीं लाई हूँ। अरे वाह आपके नेल्स तो बहुत प्रिटी लग रहे हैं। You liked it? Yes. अब इसको थोड़ी देर ड्राई करते हैं ठीक है? काफी दिनों से ना मैंने हेयर पैक नहीं लगाया है, तो मेरे पास ना ऑर्गेनिक रीठा आंवला शिकाकाई पाउडर है, ये आपको इंडियन स्टोर में मिल जाएगा। ऑल्सो मेरे पास ये गोदरेज की नुपुर मेहंदी है, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई डाई वगैरह नहीं एडेड होता है। तो ये दोनों चीजों को मिक्स करूंगी और इसको सोक कर दूंगी आज मैं, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइमली लगा लूंगी सो दैट कई घंटे तक ये लग जाए, और फिर आफ्टरनून तक 11-12 बजे तक वॉश कर लूंगी। तो इस तरह से ना आई थिंक मंथ में एक बार मैं करती हूँ, बट काफी दिनों से हुआ नहीं है, सो मैंने सोचा कि थोड़ा हेयर केयर आज किया जाए। ओके गाइस, तो एक आयरन कढ़ाई में 3-4 टेबलस्पून ये ऑर्गेनिक रीठा आंवला शिकाकाई पाउडर ऐड किया, गोदरेज नुपुर मेहंदी ऐड की, और मैंने ना पानी बॉईल कर लिया था, थोड़ा उसमें टी लीव्स ऐड करी थी, करी लीव्स वगैरह। और आप ना मेहंदी में यहाँ पर एक एग भी ऐड कर सकते हो, बट अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी सो दैट मेहंदी जो है अपना कलर रिलीज करे।
यहाँ पे ना लंच रेडी हो गया है, तो मैंने ना यहाँ पर बनाए हैं वेजिटेबल पुलाव टाइप ऑफ राइस, और इसमें कुछ कुछ वेजिटेबल्स जो भी मेरे पास थी वो ऐड कर दी। ऑल्सो ये है आलू एंड मटर की करी। ओके, तो अभी ना मैं ग्रीन चटनी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने हरा धनिया लिया है, इसको वॉश कर लिया अच्छे से। ब्लैक सॉल्ट है, हींग पाउडर है, कुछ मिंट लीव्स हैं, एक लेमन लिया है, हरी मिर्च ली है, और थोड़ा सा ही पानी चाहिए होगा, और इसको हम ग्राइंड करके और बहुत ही यमी सी फ्रेश फ्रेश ग्रीन चटनी जो है वो रेडी करेंगे। सो हमारी ग्रीन चटनी जो है वो रेडी है, और इसको एयर टाइट डब्बे में रख के और इसको ऑलमोस्ट एक वीक तक हम लोग खा सकते हैं, ये फ्रेश रहती है 1 वीक के लिए। अच्छा, ग्रीन चटनी बनाई, उसके बाद अचानक से प्लान हुआ कि चलो एक और चटनी बना लेती हूँ पुदीने की, हरे धनिए वाली, और ये मेरी मॉम बनाती हैं, एंड स्पेशली अगर सिलबटना अवेलेबल हो उस पर बनाया जाए ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बट यहाँ तो मैं चॉपर में ही बना रही हूँ। मिंट लीव्स ऐड की हैं, हरी मिर्च ऐड की है, और फ्रेश हरा धनिया जो है वो भी रफली मैंने ऐड कर दिया है, और साथ ही मैं एक टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, और टमाटर का जो स्टेम साइड वाला पार्ट था वो थोड़ा सा हटा दिया है, उससे फ्लेवर ख़राब हो सकता है। तो बस रफली चॉप करके टमाटो, और यहाँ पर मैंने ना 2 गार्लिक क्लोव्स को भी ऐड कर दिया है, साथ में ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा हींग पाउडर, लेमन स्क्वीज़ कर दिया है, और पानी की ज़रूरत नहीं हुई, टमाटो ने ही पानी रिलीज़ कर दिया। और ये देखिए चटनी यहाँ पर रेडी है, और ये भी बहुत टेस्टी लगती है, ट्राई कीजिएगा आप लोग। और स्पेशली अगर सिलबटना अवेलेबल हो तो उस पर ये चटनी आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसका फ्लेवर आता है। जब हम लोग गाँव जाते थे ना तो गाँव में ये चटनी बनाई जाती थी, मेरी अम्मा जी हैं जो वो बनाती थी, और फ्लेवर बहुत अच्छे आते थे। बट आजकल तो चॉपर्स ही अवेलेबल हैं, उससे साथ ही हम ये सारे काम कर पाते हैं। तो आज का चटनी इसका काम हो गया है, एंड देन शाम की चाय बनने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है। ओके गाइस, तो अभी ना ट्यूसडे मॉर्निंग है, और जो मेहंदी मैंने सोक करी थी ना वो अच्छे से सोक हो गई है, और मेहंदी को मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं करती हूँ, सो दैट मेहंदी अच्छे से लग जाए और मैं घर के काम करूँ तो वो इधर उधर से टपक के ना आए। तो बालों को एक बार कॉम किया, और ग्लव्स की हेल्प से मैंने चारों तरफ अच्छे से अपने बालों में मेहंदी लगा ली है। और उसके बाद मैं ना कुकिंग करने के लिए आई, तो आज मैं सोच रही हूँ कि ये पनीर चिली मसाला मिक्स जो है इसको यूज़ करके पनीर चिली बना दूँ, और इसको मैंने पहले कभी यूज़ नहीं किया है, सो आई हैव नो आइडिया कि ये कैसा होता है। तो सारे ही इंस्ट्रक्शन मैंने पढ़े, तो अराउंड 2.5 कप पानी लेना है, और उसमें 2.5 टीस्पून ये जो मिक्सचर है ये ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, इसी के अंदर थोड़ा स्टार्च पाउडर और जो भी मसाले वसाले हैं सब एडेड हैं। कढ़ाई में मैंने लिया है ऑयल, और साथ ही यहाँ पर पनीर, शिमला मिर्च, अनियन, ग्रीन चिलीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मैं ऑयल गरम हुआ और एक बार अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद जो मिक्सचर है वो ऐड कर दिया, एक बॉयल आने तक पकाया। उसके बाद अगर स्प्रिंग अनियंस हो उससे गार्निश कर सकते हैं, बट मैं हरे धनिए से कर रही हूँ, और ये ठीक ठाक बन गई थी, और पुष्पेंद्र को अच्छी लगी, मुझे भी ठीक ठाक लगी। और उसके बाद ना मैंने हेयर वॉश कर लिया है, यहाँ पर बालों में अच्छा सा कलर आ गया मेहंदी का, और अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया है, सिंपली प्लेन वाटर से वॉश कर लिया है। नेक्स्ट डे मैं ऑयल मसाज करूँगी, और उसके बाद जब हेयर वॉश करेंगे ना तो मेहंदी का जो एक्चुअल शाइन है, कलर है, वो दिखेगा। सिया स्कूल से आई, उसके स्कूल में फील्ड ट्रिप होने वाली है, उसी का परमिशन फॉर्म है जिसको मैं अभी फिल करके टीचर को वापस भेज रही हूँ। एंड नाउ इज़ वेडनसडे, तो वेडनसडे को मैंने बनाया था एग वाली सैंडविच। तो रिसेंटली मैंने ये कहीं पे तो देखी थी इसकी रेसिपी, और फिर एग मैंने बॉयल्ड एग लिए हैं, चॉपर में एग्स को मैंने चॉप कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये स्पाइसी वाला रैंच ऐड किया है, 1 चम्मच मेयोनीज ऐड किया है, ग्रीन चिलीज ऐड की हैं, साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और यहाँ पर मैंने ना ब्रेड स्लाइसिस के ऊपर इस मिक्सचर को स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऊपर से, आप चाहें थोड़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, और कवर करके तवे पे मैं इसको सेक लूँगी। हल्का हल्का मैंने बटर लगा दिया था दोनों तरफ, और ये अच्छी बन गई थी सैंडविच। इस तरह से ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की, एंड पुष्पेंद्र को भी पसंद आई, सो यू कैन ट्राई इट सम टाइम। और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, पनीर के साथ भी सेम तरीके से हम ट्राई कर सकते हैं, पनीर को फाइन चॉप करके, और इसको ना मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया था। एवरी मंथ मैं डॉजिए के कलेक्शन में से ना आप लोगों के साथ 2 परफ्यूम्स लेकर आती हूँ। फॉर द अप्रैल मंथ मैंने ना ये 2 परफ्यूम्स लिए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो लेट्स ओपन दिस बॉक्स। आइकॉनिक सेंट्स, डिजाइनर क्वालिटी एंड नो मार्कअप्स। द नेम ऑफ द परफ्यूम इज एम्बरी सैफ्रॉन, एंड की मैग्नेटिक कैप है।
सो इजी टू यूज एंड इजी टू पुट बैक, और जैसे ट्रेवलिंग वगैरह में कैप ओपन होके ऐसे लॉस्ट नहीं होगी क्योंकि मैग्नेटिक है. और यहाँ पे भी सारे नोट्स एंड एवरीथिंग इज मेंशनड हियर. सो ये एम्बरी सेफ्रॉन जो इनका परफ्यूम है, ये इनका बेस्ट सेलर परफ्यूम है. वॉलमार्ट में यू कैन फाइंड द बेस्ट सेलर परफ्यूम्स फ्रॉम डॉजिए. तो मैं ना लिंक शेयर कर दूंगी डॉजिए के वेबसाइट का. ऑल्सो अगर आप वॉलमार्ट के वेबसाइट पे जाओ या फिर वॉलमार्ट पर्सनली स्टोर में जाओ, सो डू चेक फॉर द डॉजिए फ्रेग्रेंसेस. सो द सेकंड वन इज दिस वन. द नेम ऑफ द परफ्यूम इज फ्रूटी ब्राउन शुगर एंड ऑल द नोट्स आर मेंशनड हियर. मैं इनके साथ कोलैबोरेट कर रही हूँ एंड रिसेंटली फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ मंथ्स मैं यही सारे परफ्यूम्स ट्राई कर रही हूँ और मुझे काफी पसंद आ रहे हैं. आई एम शेयरिंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो आज है थर्सडे और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी मसालेदार मैगी, ग्रीन चिलीज, अनियन, शिमला मिर्च, टमाटोज, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह और ऐड कर दी थी और अच्छी बन गई थी. उसके बाद ना थोड़ा सा मैं बाहर निकल के अभी घूमने गई थी घर से बाहर. आज का वेदर ना काफ़ी क्लियर है. तो पिछले कई दिनों से हो रहा था ना रेन सी बारिश का मौसम था, बट आज तो एकदम क्लियर आसमान है, धूप खिली हुई है. और लंच में मैं बनाने वाली हूँ आलू और बैंगन की सब्ज़ी. तो मैंने आलू बैंगन को इस तरह से चॉप करके वॉश कर लिया है और रेसिपी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ. और मस्टर्ड ऑयल गरम करके हींग, जीरा और ग्रीन चिलीज, अनियन का तड़का दिया है और इस तरीके से ये बैंगन आलू की सब्ज़ी बन गई. फिर लास्ट में गार्निश कर दिया हरे धनिए से थोड़ा गरम मसाला. और थर्सडे को ना मैंने ओवरनाइट ये ग्रीन वाली जो मूंग होती है ना ये सोक की थी. तो मैंने रिसेंटली सोचा कि चलो उसका ना चीला बना के ट्राई करती हूँ, क्या पता बच्चों को पसंद आए. सो लेट्स ट्राई. ओके, सो अभी ना फ्राइडे मॉर्निंग है. ग्रीन मूंग जो मैंने सोक की थी ना लास्ट नाइट, तो वो अच्छे से सोक हो गई है. उसको मैं वॉश करके और यहाँ पर एक ग्राइंडर या चॉपर में इसको ऐड कर सकते हैं. उसके बाद मैंने एक ग्रीन चिली को स्लिट करके ऐड किया है, थोड़ा जिंजर ऐड किया है, जीरा, सॉल्ट और थोड़ा हींग, थोड़ा सा पानी. और इसको ना मैं एक पेस्ट की तरह ग्राइंड कर लूँगी. थोड़ा पानी ऐड करने से ना इस तरह से स्मूथ कंसिस्टेंसी का ये हो जाएगा. सिया को स्नैक्स में चीटोस दिया है, उसने खुद ही सेलेक्ट किया है. और थोड़े से मैं यहाँ पर गुड्डे बिस्किट्स उसको डाल के दे रही हूँ और साथ में उसके लिए अभी लंच पैक करती हूँ. सोसिया के लंच बॉक्स में मैंने ये मूंग दाल चीला जो है ये ट्रायंगुलर पीसेस में कट करके पैक कर दिया है, साथ में फ्रूट्स और केचप. और वो स्कूल चली गई है. उसके बाद मैंने बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए भी ये मूंग दाल चीला सेक दिया है और ये गरम गरम ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है. और उसके बाद मैं घर से बाहर थोड़ा आई हूँ. वैसे मैं वॉक करने जाने का सोच रही थी लेकिन बैक में थोड़ा सा पेन था इसलिए आज मैं नहीं जाऊँगी. और आप देख सकते हो गर्मियों का टाइम है ना, तो सुबह सुबह सारी जगह पानी का छिड़काव होने लग जाता है. सो फ्राइडे मॉर्निंग को मैं ये व्लॉग एंड कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आज मेरी एक वीडियो भी जानी थी बट मैं एडिटिंग फिनिश नहीं कर पाई इसलिए आज कोई वीडियो नहीं डाली. और आशा करती हूँ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा जाएगा. इसी के साथ आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखिए. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड.